जय किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। आज हम लोग आए बैगन में फिर से दवा देने के लिए, कीड़े के लिए। जो कि कीड़े बहुत आम बात है कि बैगन में कीड़े लगते ही ये लगते तय है, फल में भी और तन में भी, और फूल झड़ना, ये सब सब रोग है बैगन में लगना आम बात है। तो आज हम लोग बैगन का हार्वेस्टिंग किए थे, तो 60 kg निकला था, उसमें मेरा 5 किलो ख़राब निकला था बैगन, जो कि बहुत कम है ख़राब। पिछले बार तो बहुत ज़्यादा था, लगभग 20 से 25 kg ख़राब निकला था। तो इस बार बैगन की अच्छी हार्वेस्टिंग हुई। और रेट का बात करें तो इधर का थोक का रेट है 25 रुपये रामगढ़ में। और ये रहा मेरा बैगन का पौधा, हरियाली भरियाली पूरा भरा हुआ, कोई भी कीड़ा उड़ा कहीं नहीं। बस आज देने वाले हैं हम लोग दवा, जो कि कीड़े होते हैं, कीड़े के जो अंडे होते हैं, अंडे आप सभी को दिखाते हैं, ढूंढ के भी हो सके होंगे, क्योंकि हम लोग जो बैगन हार्वेस्टिंग करते हैं जिस समय, उस समय हम लोग पूरा जो छोटा सा भी बैगन में भी कीड़े लगे हुए रहते हैं वो भी हटा देते हैं, क्योंकि वो पनपना नहीं चाहिए। वही अंडे से फिर वो बच्चे निकलेंगे और फिर बैगन को दूसरे फल पे अटैक करेंगे और दूसरे फल को भी ख़राब करेंगे। तो अभी ढूंढते हैं उस तरह का फल मिल जाए, एक दो जो शायद छूटा होगा, तो अभी तो दिख नहीं रहा है कहीं पे, क्योंकि सुबह ही हार्वेस्टिंग हुआ है। उस तरह का अंडा अंडा जिसमें फल दिया हो, मैं अंडा कीड़ा देखो ना, छोटा सा होगा, छोटा छोटा फल होगा, ख़राब होगा, ठीक है, उसमें कीड़ा लगल होगा, वाइट वाइट दाना दाना कीड़ा होगा। एक तो मिला है बट इसमें वैसा दाना नहीं है, ये साफ है, कोई दिक्कत। अच्छा इसी में दिखाते हैं, ये देखिए, ये जो बैगन है यहाँ पे किनारे पे आप सभी को दिख रहा होगा, इस किनारे पे यहाँ पे है कि छोटा छोटा एक आपको वाइट वाइट दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे रेंग रहा है। कैमरा पकड़ो सरवन, यहाँ पे फोकस करो नीचे, यहाँ पे है ना, ये अंदर देखिए ये कीड़ा है और इसके बच्चे देखिए यहाँ पे है वाइट वाइट, यहाँ पे देखिए ये वाइट वाइट है ना, ये देखिए वाइट वाइट यहाँ पे है, इसके अंडे हैं ये। तो यही है कि बाद में फिर ये पनपते और फिर अटैक करते हैं। तो इस तरह हम लोग क्या कर रहे हैं, फल को भी हटा चुके हैं, और फल को हटाने के साथ साथ अब हो काम क्या, आज जो दवा लाए हम लोग वो जो बैगन में जो कीड़े लगते हैं वो कीड़े के मुंह बंद करेंगे, और जो अंडे रहते हैं वो अंडे से बच्चे नहीं निकले, यानी अंडे और उसके मादा नर मादा दोनों कीड़े के ख़त्म हो जाएंगे। तो हम लोग चलते, पहले दवा डालते हैं, दिखाते हैं कौन कौन सा दवा है आज का। तो किसान भाइयों, पहला दवा है इम्बोज, जो कि ये कीड़े का जो मुंह है बंद करेंगे, और वो उनको भूख लगेगा तो वो फल नहीं खा पाएंगे, और फल नहीं खा पाएंगे तो वो मर जाएंगे, और उनके साथ साथ जो इसके अंडे होते हैं फल में, वो अंडे मतलब उससे बच्चे नहीं निकल पाएंगे, तो वो सारी चीज़ ये से अब रोकता है इम्बोज। तो इसको देना है हमको ग्राम में, 10 ग्राम देना है। तो मेरे पास अभी ग्राम नापने के लिए कुछ है नहीं, तो हम ML में ही 10 ML ले ले रहे हैं, और उसको पानी में पहले डिब्बा में घोल लेते हैं, उसके बाद फिर डालना है, क्योंकि ये शायद दाना टाइप का निकलेगा। तो आप सभी को भी दिखाते हैं कैसा है ये। नहीं अभी को ऐसे ढक्कन, ये कुछ सूजी का दाना जैसा है, सवाई का दाना जैसा, तो इसको हमको अभी 10 ML लेना है सूखा हुआ डब्बा में। ML में हम निकाल लेते हैं 10 ML, डाल के पहले अच्छे से घोल लेते हैं, क्योंकि ये एक सूजी का फॉर्म में है, तो इसको मिलाना अच्छे से होगा, अंदर में घुलेगा नहीं, इसलिए पहले बाहर इसको अच्छे से फेंट लेते हैं, उसके बाद डालेंगे इसमें टंकी में। इसको पहले बंद कर लेते हैं, हवा नहीं लगाना है, काफ़ी अच्छा पैकिंग। इसको अब अच्छे से फेंट लेते हैं। तो किसान भाइयों, कुछ फेंटने के बाद कलर इसका हरा हरा आ रहा है, यहाँ पे फैन आपको दिख रहा होगा झाग में, तभी इसको डालते हैं। पीला पीलापन हो गया था, अब इसको अच्छे से धो के फिर से पानी में, हल्का पानी में डाल देते हैं ना,
ये पूरा हो गया। उसके बाद का दवा है आपका फल फूल का है, फल फूल का आपको 25 से 30 ml ले लेना है अपने हिसाब से। तो अभी हम यहाँ पे 25 ml लेते हैं, ये 30 ml का है, ये 25 है, ये मेरा 25 ml फल फूल का। इससे फल फूल जो झड़ रहे थे और नहीं आए हैं काफ़ी दिनों के बाद ये दिया रहा है। आप सभी को कंटिन्यू वीडियो मिल रहा होगा तो उसमें पता चल रहा होगा कि कौन कौन सा दवा डाल दें। अब उसके बाद लेना है कीड़े के लिए फाइट प्लस लेना है, इसको लेना है 20 ml लेना है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं करना है दवा को, नहीं तो फल हो सके काला पड़ जाए या फल में दाग आने लगेगा, तो इसको हमको 20 ml करना है। उसके बाद एक दो दवा और रहेंगे, ये रहा गया 20 ml। उसके बाद है आपका सुमित देना है आपको 10 ml देना है, ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवा है इस कारण से इसको कम देते हैं, इसको 10 ml लेना है। इस वाले छोटे वाले में नापते हैं 10 ml, ये आपका पूरा 10 ml का ढक्कन है। इसके बाद है लास्ट एक गोंद है, जो कि एक गोंद देना ज़रूरी है क्योंकि बारिश का वक्त है, कभी भी पानी हो सकता है मार दे। पिछले बार टमाटर में हम दवा दे रहे थे उस टाइम पानी नहीं था, धूप था इसी तरह, और फिर देने के बाद तुरंत पानी आ गया तो सारा दवा मेरा धुल गया था। गोंद के लिए हम लोग ये इस वाले कंपनी का यूज करते हैं, काफ़ी अच्छा है और धीमा पानी में तो धुलता नहीं है और तेज पानी में तो हर गोंद धुल जाता है। तो ये अभी हमको लेना है 5 ml लेना है, 5 ml का स्कूप इसमें नहीं है, इसी में लेते हैं, ये 5 ml। अब इसको अच्छे से फेंट लेते हैं, सारा दवा डाल दिए, और सारा दवा का नाम डिस्क्रिप्शन में रहेगा लिखा हुआ, आप उस जगह से भी परचेस कर सकते हो। जैसे दवा का आप वीडियो में स्किप करके देख रहे हो या पार हो जाता है तो आप वहाँ से परचेस करके ले सकते हो दवा। अभी चलते देने के लिए, ठीक है, और देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी करीबन 9 बज रहा है और उसके बाद देखते हैं हम लोग को इस बार कितना देर लगता है देने में, क्योंकि घना है, टंकी भी कभी कभी स्विच ऑफ हो जाता है, खुद से बंद हो जाता है डंटी वगैरह से दब के। तो फटाक से देते हैं और आपसे वीडियो में एंड में मिलते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो करें लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चलो time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, the storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust, yeah.